मेरे को दे इधर दे हमको भी तो दे यार, दूसरे भी खेल रहे हैं ना। कॉल दे। अरे अरे यार, दूसरों को भी तो बॉल पास करना, हम लोग भी खेल रहे हैं ना। चिल्ला मत, अगर टीचर ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सॉरी यार, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा। अगर टीचर ने देख लिया तो मर गए। मैं तो तुम लोग का ही नाम लगाऊंगी और टीचर हमें छोड़ देगी। अगर टीचर ने हमारे पेरेंट्स को बोल दिया ना तो क्या करेंगे? इन लोग के पास तो गन है। ये लोग टीचर्स के कमरे में क्यों जा रहे हैं? आप लोग, और ये क्या बदतमीजी है, अंदर कैसे आ गए आप लोग? अपने मुंह को ताला लगा के रख, वरना सीधा तेरे ऊपर की टिकट कटवा दूंगी। आपकी ये धमकी ना हम पर नहीं चलेगी, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को फोन करेगा? चल कर पुलिस को फोन कर। हेलो, अगर किसी ने ज्यादा शाना बनने की कोशिश की ना तो उसका भी हाल यही होगा। विकी चलो हम यहां से भाग जाएं। तो इन लोग भी हमें भी वैसे मार देंगे। तू पागल हो गए? हमारे टीचर्स से खतरे में हम भाग जाएंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। ए, जा जाके पूरे स्कूल को अच्छे से चेक कर, कहीं कोई और तो नहीं है यहाँ पे। ए, तू भी जा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। रिंकी रो मत, मगर हम जा भी कैसे सकते हैं, बाहर तो वो लोग खड़े हैं ना। तो क्या हमें अब यहीं रहना पड़ेगा? नहीं नहीं चिंकी, हमें घर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। मैं तो अपने मम्मी डैडी से भी नहीं मिल पाऊंगी, ये गुंडे लोग हमें भी मार देंगे। चिंकी ज्यादा आवाज मत करो, नहीं तो उन लोग यहाँ भी पहुँच जाएंगे, इसलिए रोना बंद करो। अब क्या होगा दीदी? रोना बंद करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, डरने से काम नहीं चलने वाला, हमें हिम्मत से काम करना होगा और हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे उन लोगों को भी सबक मिले। मगर हम बाथरूम में रहकर कर भी क्या सकते हैं,
हमें कैसे भी करके हमारे टीचर्स की मदद तो करनी ही पड़ेगी। से क्यों ना हम सीआईडी को बुलाएं? हम लोग के पास तो फोन भी नहीं है, तो कैसे बुलाएंगे हम लोग सीआईडी को? हम खिड़की से किसी को आवाज देंगे और फिर वो लोग सीआईडी को बुला सकते हैं। अगर हम लोग आवाज देंगे उस खिड़की से तो उन लोगों को पता चलेगा और फिर उन लोग यहाँ आ जाएंगे। बुलाएं कैसे सीआईडी को? आइडिया है, किसी के भी पास पेपर और पेन है क्या? उस पे लिखकर बाहर फेंक देंगे तो कोई आवाज भी नहीं आएगा। पेपर तो किसी के पास नहीं है, कुछ और सोचो ना। हाँ, तुम लोग के जेब में क्या क्या है वो सब कुछ निकालो। चॉकलेट है और गोटियां है, अब सोचो इनसे क्या कर सकते हैं। सोचो, कुछ जल्दी सोचो। मैं एक मिनट आता हूँ। दरवाजा खुल नहीं रहा है। अरे मैंने पूरी बिल्डिंग चेक की, यहाँ कोई नहीं है। चल भाई, पूरा डाल क्या? अरे स्कूल वाले ने कुछ कचरा बिचरा रखा होगा, क्यों बंदूक की गोली वेस्ट कर रहा है? चल आप लोगों को चाहिए क्या? हमें पकड़ के रखने से आपको क्या मिलेगा? हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अगर जिंदा रहना चाहता ना तो चुपचाप बैठ, समझा ना? ज्यादा चूचू मत कर। और किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए अब तक जिंदा हो तुम, समझे? तो फिर क्यों हमें यहाँ पे रखा हुआ है? वो भी ना बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने मुंह को ताला लगा कर बैठो, समझी? ए, तू बाहर जाके बाकी लोगों को देख, चल। जो सोचना है जल्दी सोचो, वो लोग वापस देखने आ सकते हैं। एक आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या? ये चॉकलेट के रैपर पे लिखकर कोटी बांध के खिड़की के बाहर फेंक देंगे। गुड आइडिया, लेकिन लिखेंगे कैसे? हमारे पास पेंसिल तो है ही नहीं। मेरे पापा कहते हैं मेरे दिमाग में कीड़ा है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। अच्छा, तो फिर पूछ अपने कीड़े से। वो ही तो कर रहा हूँ। सोच लिया, हमारे जूते में जो मिट्टी है ना उसे निकाल के लिखेंगे। हाँ चलो, अपने अपने जूते निकालो। CID. यार, अरे निशाना तो लगा पर उसे देखा ही नहीं। चल ठीक है,
एक और बना लेंगे। ये ले पकड़। क्या हुआ? मैं देखा ही नहीं यार। अभी मैं फेंकता है। ठीक, चल। अब हमारे पास ये आखिरी कागज है। बचाओ, सीआईडी को बुलाओ। चलो चलो, नीचे 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 नीचे, हाथ हाथ पीछे कर। आदमी ने देखा, पड़ा और सीआईडी को बुला। सर आज ब्रेडी तो बहुत खुश नजर आ रहा है। खुशी की बात जो है, आज कितने दिनों के बाद एसीपी साहब हमें लंच के लिए लेके जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मालूम है? ए, ब्रेडी, क्या कहा, कितने दिनों बाद? अब कितनी बार खाने खाने के लिए लेकर गया हूँ, गया हूँ क्या? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा सर। एक बात है, टीम के बाकी लोग भी होते तो और भी मजा आ जाए। हाँ, ये बात तो है सर। मैं तारिका जी को फोन करके बुला लेता हूँ। इस तारिका कहाँ से आ गई बीच में? भैया आपने बोला ना कि बाकी लोग भी होते तो मुझे लगा कि आप तारिका जी की बात करें। हाँ, बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं। बुला लो, बुला लो। हाँ सर, डॉक्टर सालुंगे को भी बुला लेना चाहिए। तारिका को बुलाया, सालुंगे साहब को नहीं बुलाया तो आपको तो मालूम ही है। हाँ, सालुंगे साहब को तो बुलाना ही चाहिए। किसका एसएमएस है सर? हेडक्वार्टर से मैसेज है कि खूंखार अपराधी हीरा उसे बड़ी जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो होशियार रहना। सर ऐसे अपराधी को किसी खुफिया जगह पे रखना चाहिए सर। हाँ, हेलो, एसीपी प्रद्युमन। क्या, कहाँ पर, कौन से स्कूल में? ठीक है, हम पहुंचते हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ सर? माउंट प्लेजेंट स्कूल के बच्चे कमरे में फंस गए हैं, उन्होंने हमारी मदद मांगी। जल्दी चलते थे। हाँ सर, मैं वहीं खड़ा हूँ। हाँ हाँ सर, बस वहाँ से आप थोड़ा सा दाएं ले लीजिए। हाँ सर, मैं वहीं पे खड़ा इंतजार कर रहा हूँ सर। हाँ सर, आप आ जाइए सर। हाँ सर, नजर आ गया। तुमने फोन किया था? क्या हुआ? जी सर, मैं रास्ते से जा रहा था सर। हाँ? कि सामने जो स्कूल की बिल्डिंग है उसकी खिड़की से कुछ बच्चों ने ये पर्चा फेंका मेरी तरफ। हेल्प कॉल सीआईडी, बच्चे कहाँ है? आइए सर। कहाँ पर है बच्चे? वहाँ, उस तरफ। वहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है। वहाँ थे बच्चे सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, एक बात बता, जब बच्चों ने ये पेपर फेंका तब कुछ कहा उन्होंने, बोले वो? नहीं सर, बस हाथ से इशारा कर रहे थे कि पेपर खोल के पढ़ो। तो फिर कहाँ गए बच्चे, कोई दिख तो नहीं रहा? अभी पता चल जाएगा वो लोग हैं कि नहीं।
अगर बच्चे मुसीबत में है तो चिल्लाना ठीक नहीं है। सर मैं एक पत्थर फेंकता हूँ, अगर बच्चे अंदर होंगे तो बाहर आएंगे। क्या हुआ बच्चों, क्या परेशानी है? कोई तो है उनके साथ जो मना कर रहा है उनको बोलने के लिए। सर बच्चे डरे हुए दिख रहे हैं, जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन मुसीबत क्या है? आप चले जाओ। थैंक यू। ऊपर चढ़ सकते हो क्या? जाओ जरा और देखो क्या प्रॉब्लम है बच्चों का। ऐसा संभल के जाना। कुछ लोगों ने हमारे टीचर को बंधक बना लिया सर। बना लिया? सर उन लोग टीचर्स रूम में सर, उनके पास गन भी है सर, वो हमें मार डालेंगे सर, हमें बचा लो सर। संभाल के, कितने लोग हैं वो? सर 7-8 लोग होंगे सर। एक मिनट, एक काम कर, मोबाइल रखो तुम्हारे पास, अगर कोई खतरा नजर आए तो फोन कर देना, इसमें लास्ट डायल नंबर है उस पे। सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सर बच्चे बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने स्कूल के टीचर्स को बंधक बना रखा है कमरे में। सर अंदर घुसने की कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ ये पता लगाते हैं कि कितने लोग हैं और कहाँ पे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, गेट पे एक वॉचमैन है और उसे पता नहीं बिल्डिंग में किडनैपर्स है। वो तो ये बात है सर, ये वॉचमैन भी उन्हीं का आदमी है सर, मैंने अभी अभी देखा उसे इशारा करते हुए। इन लोगों का एक आदमी तीसरे फ्लोर पर भी है। मगर सर इन लोगों ने टीचर्स को बंधक बना क्यों रखा है? कोई डिमांड वगैरह तो की नहीं है इन लोगों ने? कुछ लोगों का काम ही होता है आतंक फैलाना। हेलो एसीपी प्रद्युमन। हेलो, कौन बोल रहा है? जान पहचान भी हो जाएगी मौका देखकर। फिलहाल मैं ये बता दूं कि माउंट प्लेजेंट की सारी टीचर्स मेरे कब्जे में। तुम सच बोल रहे हो या ये कोई मजाक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर इन टीचर्स की जान तुझे प्यारी है तो बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? खूंखार अपराधी हीरा। हीरा चाहिए मुझे, वो भी 2 घंटों में। ये नहीं होगा। सुनो अगर मान भी लिया ना तो भी इतनी जल्दी हम हीरा को ला नहीं सकते। ये सब सोचना मेरा काम नहीं है, मुझे सिर्फ हीरा चाहिए। तेरे मोबाइल पे अभी MMS आएगा, खुद ही देख ले। और याद रख तेरे पास सिर्फ 2 घंटे है। सर 2 घंटे में हीरा को कहां से लेके आएंगे?
आ गया, मगर अगर टीचर्स को बचाना है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर टीचर को तो गोली मार दी इन लोगों ने, अगर हीरा को इन तक नहीं पहुंचाया गया है तो बाकी लोगों की जान भी खतरे में है। अभिजीत हमारे पास तो सिर्फ 2 ही घंटे, और पता नहीं हीरा को यहाँ लाने की परमिशन मिलेगी भी या नहीं, और वैसे भी 2 घंटे तो पेपर वर्क में जाएंगे। सर कूद पड़ते हैं, बच्चों और टीचर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते हम लोग। अभिजीत तय कर लिया, इस हीरा को लेकर आते हैं, जेल वालों से पता लगाओ इस वक्त हीरा कहां पर है। हेलो जेलर सर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। हाँ जी हाँ, वो डीसीपी साहब का फोन आया था कि हीरा को किसी बड़ी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ उसी के बारे में पूछना था कि नहीं अभी वहीं पे है या उसको लेके गए। ओके ओके थैंक यू वेरी मच सर, अभी अभी हीरा को लेके गए वहां से। अब क्या करेंगे सर? वही करेंगे सचिन जो सीआईडी वालों को करना चाहिए। सीआईडी वाले ड्राइवर जरा साइड में रोकना। सर सर क्या हुआ सर, आगे कुछ परेशानी है? कुछ टीचर्स और बच्चों की जान खतरे में। कहाँ पे सर? एक स्कूल में अपराधियों ने टीचर्स और बच्चों को बंधक बना रखा है। ओ, तो सर फिर आप यहाँ पे क्यों? उन लोगों को हीरा चाहिए। सर हीरा? मगर उसके लिए ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ेगा। हमारे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, हम हीरा को ले जा रहे हैं। सर मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, हीरा दो हमको। सर इतने बड़े अपराधी को मैं आपके हवाले कैसे कर सकता हूँ? सर प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए। इस वक्त तुम्हारी मजबूरी से ज्यादा उन टीचर्स और बच्चों की जान ज्यादा कीमती है। अभिजीत निकालो हीरा को बाहर। सर प्लीज। चुपचाप गन नीचे रखो। अभिजीत ले आओ हीरा। सर मैं गोली मार दूंगा। चुपचाप गन नीचे रखो। मैंने कहा था ना हीरा चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों की जानी चली जाएगी। सर आप सब लोगों को सीआईडी से निकाल दिया जाएगा। तो देखा जाएगा, लेकिन बच्चों की जानें बचाने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। इसकी हथकड़ी करो। हीरा भागा। नाइक लो मत। सर ठीक नहीं कर रहे आप ये। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह। सर जॉब कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हीरा आज तो तुम छूट जाओगे, बच्चों को और टीचर्स को जो बंधक बना के रखा है, लेकिन ज्यादा दिन तक हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा तू समझे? ये बच्चे ये टीचर्स साफ साफ बोल बात क्या है। अच्छा जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं, तेरे लोग बच्चों को पकड़ेंगे और उसके बदले में तुम्हें छुड़वाएंगे, यही प्लान है ना तुम्हारा? एसीपी साहब उड़ाना है तो सीधी तरह उड़ा, ये क्या कहानी बनाता है? कहानी नहीं है ये, और अब तो छूटने वाला है तू। कबूल कर ले जो कुछ भी किया है। मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूंगा। मैं खतरनाक अपराधी जरूर हूँ, मेरा भी कोई ईमान है। और वो जो बच्चे पकड़े हुए हैं, एक टीचर को तो मार दिया उन लोगों ने। ये सब मैंने नहीं किया, अगर मेरे किसी आदमी ने ये काम किया होता तो जरूर मुझे बताता, इसमें मुझे कोई गहरी चाल नजर आ रही है। हेलो एसीपी प्रद्युमन, आज साथ में ही है, अगर चालाकी करता ना तो अब तक तुम्हारी जुबान कब की बंद हो चुकी होती, समझे? लेके आ रहा हूँ।
वाह, इसमें तो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, जैसे कि किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो। आज मैं तुम सबको एक चैप्टर सिखाऊंगी, अपना काम निकालने के लिए किसी और का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मैं सबको सिखाऊंगी, उसके बाद सबके एग्जाम्स भी लूंगी और जो फेल होगा वो सीधा ऊपर। मुझे बाथरूम जाना है। चलिए मैं चलता हूं आपको लेकर। बैठ, देखिए अबे भेड़ने तो सारी गोली तेरे खोपड़े में डाल दूंगा। बैठ। ये कोई तरीका है हाँ क्लासरूम में बिहेव करने का? तुझे समझ में नहीं आ रहा था कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है? इनको तकलीफ है, बाथरूम जाना है, मैं जा रहा था इन्हें लेकर। तू टीचर है ना, तुझे अक्कल नहीं है हाँ? वो एक औरत है, तू लेकर जाएगा उसे बाथरूम हाँ? बहुत दर्द हो रहा है, अभी एग्जाम शुरू भी नहीं हुए थे और तुम्हें बाथरूम जाना है हाँ? बहुत जोर से आई है, दो मिनट नहीं रुक सकती थी? चल मैं लेकर चलती हूँ तुझे बाथरूम। वो गर्ल्स है चल। दरवाजा तो खुला था, फिर ये बंद कैसे हो गया? खुला था? अरे सुन, तूने दरवाजा चेक नहीं किया? चेक तो किया था, मुझे लगा दरवाजा जाम है। कोई जाम नहीं है, चल दरवाजा तोड़। तुझे मैंने क्या बोला था ना? एक एक जगह अच्छे से चेक कर, किसने भेजा था मैंने तुझे? चल तोड़ दरवाजा। चल जा बाहर जाके देख, जल्दी जा, चल बाथरूम बाथरूम घूम जा। अबे कर क्या रहा है, इतना बड़ा टेम्पो दिखाई नहीं दिया, अंधा है क्या? रीता चोर कोतवाल को डांटता है, गलती आपकी और आप मुझे सुना रहे? मेरी गलती नहीं है, गलती आप ही की है, देखा हो क्या किया आपने? गलती तेरी है, गड्डी टुक गई मेरी, इसका पैसा कौन देगा? इस खटारे के लिए पैसे? ए खटारे मत बोल, मेरी गड्डी है ये। अब बेच लो इसको आप। तू बेच दे तेरी गड्डी को। ना बड़ा शरीर है आपका, दिमाग छोटा है क्या? तेरा खाता हूँ मैं, तेरे पैसे का खाता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन दिमाग आपका छोटा है ना आपका। मारना मत सोचो, मारना मत। तुम कह रहे हो कि वो लोग
तुम्हारे लोग नहीं है बल्कि कोई और है। कौन है वो लोग और उन्हें क्या फायदा है तुम्हारे छूटने से? एसीपी साहब, मुझे इसी बात की हैरानी हो रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना जल्दी हो सके मुझे अंदर कर दो। सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अभिजीत, अगर हीरा सच बोल रहा है तो उसे उन लोगों के हवाले करना मतलब उसकी जान को खतरा हो सकता है। एसीपी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे उनके हवाले मत करना। हो सकता है वो मेरी जान के दुश्मन, मेरी जान को खतरा है। उन्हें अपराधियों का फोन है सर, बात करो मगर सोच समझ के। हेलो, अभी तक हीरा आया क्यों नहीं? कहाँ हो तुम लोग? देखो हीरा हमारे पास है और हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके सर, हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है, हीरा को साथ में लेकर चलते हैं। सचिन, काजल, स्कूल के बाहर संभाल लेना और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे गोली से उड़ा देना। पर तो कोई दिख नहीं रहा। वो आदमी वहां पे खड़ा हुआ है छुपके। बॉस। हाँ बोलो। लगता है वो लोग गेट पर आ गए हैं। ठीक है, बात करो उनसे। ठीक है। हाँ बोलो, हम लोग यहाँ आ गए हैं। को लेकर ऊपर आ जाओ। ठीक है। चलो अपने अपनी गन हमारे हवाले करो। चलो 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 मेरे सामने हाथ जोड़ रहा था। ले आ। कौन है इसमें? एसीपी प्रद्युम्न को आखिर हमारे सामने झुकना ही पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसीपी सर, आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ सही है ना? क्या बात है एसीपी साहब, आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। मैं तो आपके बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे तो आपकी एक एक अदा बहुत पसंद है। वैसे एक बात तो आज सच ही हो गई, एसीपी प्रद्युम्न उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात पत्थर की लकीर है, जो वो कहते हैं करके दिखाते हैं। हाँ, पत्थर की लकीर लेकर आया वो हीरा को।
टीचर्स और बच्चे इसी फ्लोर में हैं। संभाल के। इन टीचर्स को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी बेगुनाह लोगों की जान जाए ऐसा तो आप होने नहीं देते, है ना? ये ड्रामेबाजी अगर खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। चुपचाप इन टीचर्स को छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसा मैंने कुछ कहा था क्या? ओ, शायद मैं भूल गई। जाने दो इन्हें। ये तो सिर्फ टीचर्स ही हैं। एसीपी साहब अभिजीत और बच्चे अभी भी फंसे हुए। ये बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ? चलो। अरे कुछ तो बोलो, हम लोग सीआईडी से। अरे रुको। एक मिनट। कुछ तो हुआ है। नहीं तो वो लोग इन लोगों को इतने आसानी से जाने नहीं देते। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? होता है होता है। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना? तुमने टीचर्स को छोड़ दिया, हमने हीरा को तुम्हें वापस दे दिया। सब बुरा होगा। रुक जाओ, तुम लोग इतने आसानी से नहीं जा सकते। अभी बहुत काम बाकी है। अब क्या काम बाकी? इन लोगों के गन इन्हें वापस कर दो। गोली मार दो। इस हीरा को। क्या बकवास है ये? हम क्यों मारे इसे? तुम्हारा आदमी है, तुमने मंगाया था। अब इसको मारो या रखो, हमें क्या? दुश्मन है हमारा, दुश्मन। इसकी मौत चाहिए हमें, वो भी आप लोगों के हाथों। हम ऐसे ही किसी की जान नहीं लेते। क्यों अपने और अपने इस ऑफिसर की मौत को दावत दे रहा है? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? मेरी जिंदगी? अपनी जिंदगी तो मैं सीआईडी को कब की दे चुका हूँ, समझे? और अपने इस ऑफिसर की जिंदगी? मौत की परवाह किसे? मौत से तो हम लोग दिन रात खेलते रहते हैं। मतलब तुम लोग मानोगे नहीं तो एक नमूना देख ही लो। बॉस, ये लोग नहीं मान रहे। तुम लोगों को दिखाने के लिए ये तोहफा रखा था मैंने। बच्चे जिंदा चाहिए तो हीरा को मार दो। हीरा की हमें जरूरत नहीं है, जरूरत है इन बच्चों की जो देश के भविष्य हैं। हमें बच्चे चाहिए। तो मार दो इसे। मारो, मारो इसे। मारो वरना मैं इन बच्चों को मार दूंगा। देख, मारो गोली। खबरदार, बच्चों को कुछ किया तो। पहले तुम लोग तो यहां से जिंदा निकलो। मारो गोली, मैं कहता हूं मारो। मारो गोली। बच्चों, मुंह उधर करो। इसे मार दिया है, अब बच्चों को जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा। देख, ये सरासर धोखा है। तुमने जो कहा हमने किया है। अब बच्चों को छोड़ दो। मैं तुम लोगों को मारना चाहता हूं, और ऐसे भी अब वक्त आ गया है तुम लोगों के ऊपर जाने का।
मैं हीरा की मौत चाहता था, हीरा मर गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोग को जो करना है कर लो, जो सजा देनी है दे दो। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। तुम लोगों के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था, जब मैंने तुम्हारे उस आदमी को देखा जिसका एक हाथ लकड़ी का बना था। हीरा ने हमें बता दिया था कि वो आदमी दुश्मनों की गैंग है। विवेक, ये हीरा तो जिंदा है। हमने हीरा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था। तुम लोगों ने धोखा किया मेरे साथ। तुम जैसे लोगों से निपटने का यही तरीका है। तुम लोगों को तो फांसी होकर ही रहेगी, तब तक जेल में सड़ते रहना। आओ बच्चों, बच्चों बहुत बहादुरी का काम किया है। एक बड़े गैंग को पकड़वाने में मदद की हमारी। अब सीआईडी की तरफ से तुम लोगों को एक बड़ा इनाम मिलेगा। ये!